साथियों, मैं ईशु और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट न्यूज चैनल। और आप सभी को जानकारी दे दे, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने माइनिंग ना होने को बताया अंबाला में बाढ़ का कारण। विज ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर टांगरी को गहरा कराने और टांगरी के लेफ्ट साइड पर तटबंध बनाने की अपील की है। और वहीं अंबाला में आई बाढ़ के बाद हुई तबाही को देखते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखकर मांग की है कि अंबाला छावनी के बीचों बीच से निकलती टांगरी नदी के एक तरफ लंबा तटबंध बना दिया जाए ताकि अंबाला छावनी को बाढ़ से बचाया जा सके। विज ने माइनिंग ना होने को बाढ़ का कारण बताया क्योंकि इससे टांगरी नदी का लेवल ऊपर आ गया था। और वहीं हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला के सभी अधिकारियों को अंबाला के चंदपुरा बबियाल पुल से शाहपुर और अंबाला दिल्ली रेलवे ब्रिज तक टांगरी नदी की खुदाई कर गहरा करके तटबंध बनाने का कार्य करने का आदेश दे दिया है ताकि लोगों को जल भराव से राहत मिल सके। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां जहां पर जल भराव के चलते कटाव हुआ है उन कटावों को दुरुस्त करना भी सुनिश्चित किया जाए। इन और आप सभी से अपील करेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। इस सारे मुद्दे पर जब गृह मंत्री अनिल विज से बातचीत की गई तो उन्होंने माना कि माइनिंग न होने की वजह से टांगरी का लेवल ऊपर हो गया था। विज ने इस सब के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर टांगरी के एक तरफ बांध बनाने की सिफारिश की है। और मेरी आप सभी से यही अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना सुझाव जरूर साझा करें क्योंकि आपका सुझाव हमारे लिए बेहद जरूरी है। जो है एक और बांध बनाने के लिए आपने मुख्यमंत्री को लिखा है, क्या कुछ बोलेंगे? अरे उसमें सारा प्रशासन, हम साइट पे गए थे, हमने वहाँ लोगों से बात भी की है और कुल मिला के ये निर्णय हुआ है कि ये माइनिंग ना होने की वजह से टांगरी का लेवल बहुत ऊंचा हो गया। और अगर आप आगे सहारनपुर लाइन को जहाँ पानीपत लाइन को देखो तो वो 2-3 फुट का फर्क रह गया क्योंकि माइनिंग हो नहीं रही है। पहले तो माइनिंग होती थी, अब 10-15 साल से कोई माइनिंग नहीं हुई है। तो हर साल पीछे से ये जो रेत आती है उसकी परत जमती जा रही है, परत दर परत। तो सारे अधिकारियों को, डिप्टी कमिश्नर को, ड्रेनेज डिपार्टमेंट को, म्यूनिसिपल कमेटी को, SDM को, सारों को मैं लेके मौका मुआयना करने गया था और वहाँ देखकर हमने ये फैसला किया है। मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा था कि इस टांगरी नदी को 8-10 फुट गहरा कर दिया जाए और इसकी जो जैसे राइट हैंड को इसके एक अपने सड़क बना दी मादरा से लेकर घसीटपुर तक और सारा शहर बच गया। अगर वो सड़क ना बनी होती तो सारा शहर भी डूब जाता। वैसे ही एक बांध जो है, एक तटबंध जो है, लेफ्ट हैंड साइड को भी बना दिया जाए ताकि जो उधर की कॉलोनियाँ हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, व्यापारी हैं और प्रभु प्रेम आश्रम है, वो सारी कॉलोनियाँ भी बच सकें।